वेरी बैड लक फॉर अस। हम लोग का पैरा जो बाहर पे रहते थे दो पैरा, वहाँ से एक निकाल के गायब, कहाँ पे उड़ गया अभी ढूंढ रहे, लेकिन मिल नहीं रहा है। एंड हम लोग का मुर्गी जो अंडे देते थे वो भी आज गायब, अभी तक घर नहीं आया। सुबह को कहा निकल गया, पता नहीं अभी तक घर नहीं आ रहा। तो हम लोग बहुत ही ये दुख से ढूंढ रही है, लेकिन ना फेरत मिल रहा है ना मुर्गी मिल रहा है, तो बहुत ही दुख का बात हो रही है। Hey guys, after long time, welcome back to my channel. I'm back with another video. तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं रेडी हो रही हूँ। तो आज मैं जाऊँगी जैकी का घर में आम का चटनी खाने के लिए विथ रेड चिल्ली। लाल मरीच एक होता है वो यहाँ पे त्रिपुरा में ऐसे बांटते हैं, वहाँ से चटनी खाते हैं। तो मुझे वो चटनी बहुत ही ज़्यादा खाने को दिल कर रहा है, क्योंकि मुझे वो रेड चिल्ली का जो बांटता है वो मुझे बांटना नहीं आता है। तो मैंने जैकी को फ़ोन किया, मैं आ रही हूँ आज चटनी खाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जैकी बुला रहे आओ ना मेरे घर में आम का चटनी खाएंगे। मैंने गाँव से जाके आम लाई, तो मैं फाइनली आज जाके जा रही हूँ। एंड सो मैं अभी रेडी होती हूँ, रेडी होकर आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग्स बना रही हूँ, क्योंकि मेरा फादर इन लॉ मेरा ससुर आए हुए हैं छुट्टी में, तो थोड़ा उसको रेस्पेक्ट दे रही हूँ, इसलिए किसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। तो फिर भी अच्छा बना ही लेता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ और रेडी फटाफट से होती हूँ। तो मेरे बेटा को सुला लिया मैंने, तो मेरे हस्बैंड को बोला उसके साथ सो जा और मैं जाती हूँ। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकल गई हूँ। तो मुझे अम्ब्रेला ढूंढ के नहीं मिला, इतना गर्म, इतना धूप, ओ माय गॉड। तो मैंने इस तरह से बांध लिया है अपने चेहरे पे, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा दे रही है। एंड अम्ब्रेला पता नहीं मैंने कहाँ रखी, इतना ढूंढा लेकिन अम्ब्रेला मिल ही नहीं रहा है। तो फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा। अंदर में मैंने हाफ स्लीव वाला कुर्ती लगाई, सो इसलिए मैं ऊपर में वास्कोट लगा दिया, क्योंकि बहुत ही गर्म है। तो मैंने कविता को फ़ोन किया था, कविता जाओगे क्या जैकी का घर पे? तो कविता ने बोला उसका हस्बैंड घर पे नहीं है, उसका हस्बैंड आटे आटे दो या आ रहा है, मतलब सारे दो बज जाएंगे शायद, तो वो अभी नहीं कह सकता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, आप अगर आओगे तो आ जाना आपका हस्बैंड आने से। तो बोला ठीक है अब चले जाओ, मैं अभी श्योर नहीं बोल पा रही हूँ जाऊँगी या नहीं। तो मैं निकल गया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला 4 बजने का आगे आगे ही घर पे आ जाना। तो चलती हूँ। तो गाइस, एक बात शेयर करना था आप लोगों से। एक्चुअली जो हमारे सगमा ट्राइब होते हैं, सबसे ज़्यादा मिर्ची एंड चटनी खाते होंगे आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी ट्राइब ऐसा नहीं खाते जितना हमारे सगमा ट्राइब खाते। मिर्ची, चटनी, ड्राई फिश बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबका फेवरेट होता है, छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबका फेवरेट होती है। तो ऐसे गर्मी में कौन खाएगा मिर्ची एंड चटनी? तो हमारे सगमा ट्राइब लोग अलग है, यूनिक है। जब ऐसे गर्म होती है तब जाके ढूंढते हैं खट्टा मिर्ची चटनी। तो यही एक यूनिक है हमारे सगमा ट्राइब के, मिर्ची एंड चटनी खट्टा खाने में स्मार्ट, मतलब स्मार्ट नहीं बोलूँगी, उस्ताद, मतलब नंबर वन में रहेंगे। अगर कंपटीशन होंगे तो ये जाल खाने का और कट्टे, अगर ऐसे खाने का कंपटीशन होंगे तो हमारे सगमा फास्ट, सगमा इज़ द बेस्ट, सगमा इज़ द बेस्ट। मैं पहुँच गई हूँ, तो सबसे पहले मैंने दुकान किया, क्योंकि जैकी का बेटा के लिए मैंने चिप्स लिया 2 पैकेट। तो रास्ता कहाँ पे था मैंने भूल गया, वो वाला रास्ता था भूल गया मैं, क्योंकि ऑटो वाले ने बहुत आगे किया था। तो ये ना ऑटो का घर का रास्ता, और यहाँ पे रास्ता बना रही है रोड, क्योंकि ये खच्चर रोड थे। है तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ जैकी का घर। सका नहीं ऐसा को मार अच्छा दुदराना मुर्गो मुझे बैठ में चल रहे। सो कविता आ रहे हैं और हम लोग रेडी करते हैं पहले। मार दे पहुंचने बड़ा मार दे
सो ये है मैंगो। यहाँ पे बन रहा है हम लोग का सीडोल एंड ये है जेकी। तो हम लोग का जब भी छत में खाते हैं सीडोल के बिना होता नहीं, सो सबसे पहले सीडोल जरूरत है। तो यहाँ पे मैं मैंगो काटिंग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट काट के हो गया है और थोड़ा सा रह गया। यह है मिर्ची का चटनी, तो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। उनकी तो गाबुरो ये दे गमसाने फिर नहीं बोले गमसाने अच्छा, और फिर नहुली बोले थे अच्छा। उनकी तो गाबुरो ये दे ला जाए देते गमसा के फिर नहीं बो तार पर ये फिर नहुली बोले अभी गाबुरो ये दे। तो गाइस हम लोग छटनी ढटनी खा के रेस्ट तेस करके तो अभी थोड़ा जेकी का बागान घूम रहे हैं। तो यहाँ मिलेगा चून डूबा मिलेगा तैयार है तो मीन गुनी गाइस। तो मैं घर में पहुंच गई हूं, तो मैं ड्रेस भी चेंज कर चुकी हूं, तो अभी मैं पापा के साथ खेलूंगा यानी कि मेरा बेटा के साथ कैरम। तो मेरा हस्बैंड चला गया है किसी और काम के लिए, इसके कारण मुझे बुला रहा था फ़ोन करके जल्दी आओ मुझे काम पे जाना है, तो उसका अर्जेंट कॉल आया है वहाँ पर जा रही है। तो अभी हम लोग बस बेटा और माँ तो अभी खेलेंगे हम लोग। चलो क्रेम करते पापा मारो मारो ये। क्या कर रहे हो आप क्रेम क्रेम कर रहे हो बाबा? सोना माँ क्रेम कर रहे हो आप? तो मेरा बेटा का दूध रेडी हो गया है, चलो पापा पी लो पी लो बेटो इधर नीचे पी लो। टेस्टी है? टेस्टी नहीं है? अरे जल्दी से पी लो। टेस्टी है? अच्छा। तो गाइस मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म होते है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब ही कर देना और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, लव यू।